इसे भी शुरू कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर को, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक साझा करते हैं जो कि इस वक्त फतेहाबाद से सामने आ रही है। पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन फतेहाबाद में सख्त नजर आ रहा है। सूचना न देने वाले 26 सरपंचों और ग्राम सचिवों के खिलाफ यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर प्रशासन ने यहाँ जवाब मांगा है। बड़ी और अहम खबर, संतोषजनक जवाब न पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जिले में गुरुवार को 24 किसानों पर पराली जलाने के तहत मामले दर्ज किए गए थे और अब तक 100 से ज्यादा किसानों पर मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता अजय मेहता की ओर। अजय, यहाँ जो किसान पराली जला रहे हैं उन पर तो मुकदमे हो ही रहे हैं, लेकिन सरपंचों और ग्राम सचिवों को भी नोटिस भेजा गया है, क्या अपडेट है आपके पास, साझा करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिया की फतेहाबाद के अंदर इस प्रकार पराली के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी कड़ी के अंदर जो है प्रशासन भी अब लगातार सख्त होता जा रहा है। प्रशासन ने जो है लगभग 100 से अधिक जो लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर चुके हैं और कल जो है 21 लोगों के खिलाफ और मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यहाँ एक कुछ चीज बताना चाहूंगा, जिन लोगों ने पराली जलाने के दौरान प्रशासन को सूचना नहीं दी, जिनमें सरपंच भी हैं, ग्राम सचिव भी हैं, एडीओ भी हैं कृषि विभाग के, उनके खिलाफ भी प्रशासन अब सख्त होता जा रहा है। लगभग जो है 26 सरपंचों के खिलाफ जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ में एडीओ और ग्राम सचिव के खिलाफ भी जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और स्पष्ट पूछा गया है कि जब इस इलाके के अंदर पराली जली है तो उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और प्रशासन को सूचित क्यों नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन ये जो इसको जवाब दिया जाता है प्रशासन को, तो जवाब से कितना संतुष्ट होता है। अगर संतुष्ट जवाब से नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी सस्पेंशन भी हो सकती है। जी, अजय, सवाल ये भी है कि किसान कह रहे हैं कि धान की फसल एमएसपी रेट पर बिकी नहीं है, सिर्फ जो मोटी धान की किस्म है वो ही बिक पाई है एमएसपी रेट पर। तो किसानों का ये कहना है कि जब वो गरीबी में जी रहे हैं तो किस तरह से ये अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए, किस तरह से वो पराली का जो है निपटान कर सके, क्या रास्ता है, सरकार सुझाई बुझाए, तो यहाँ पर क्या प्रशासन की भी विफलता माने कि वो किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, एक संतोषजनक जो उपाय है या जो कदम हो किसानों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। सॉरी, देखिए इसमें तो कोई दोराई नहीं है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन का इस मामले में कहीं ना कहीं जो है लैप्स है कि वो किसानों को ढंग से समझा नहीं पाई है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास तो कर रहा है। अभी हाल ही में जैसे पिछले वर्ष भी एक योजना दी थी कि जो लोग पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1000 रुपए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इस बार भी वो घोषणा की गई है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है सोनिया, वो ये है कि जो छोटे किसान है उनके पास इतना संसाधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो पराली प्रबंधन को लेकर मशीनें खरीद सके, और जो कम्युनिटी लेवल के ऊपर जितने भी लोग अभी मशीनें जो उपलब्ध हो रही हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है कि सभी उसका उपयोग कर सके। तो कहीं ना कहीं जो अब गेहूं का सीजन भी सिर पे है, बिजाई का सीजन है, जो तो किसान इस असमंजस में है, अगर वो पराली नहीं जलाते हैं तो गेहूं की जो बिजाई है वो लेट हो जाएगी। इस वजह से भी एक जो बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये बड़ी वजह भी है कि किसान जो है असमंजस की स्थिति के अंदर है, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए जो है वो मजबूर होकर कहीं ना कहीं वो पराली को आग लगा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जो किसान पराली जला रहे हैं उनके ओर से कहा जा रहा है कि फसल तो उनकी बिकी नहीं है, लेकिन ऐसे में पराली प्रबंधन वो किस तरह से करें, किस तरह से अब जो उनकी आवक हुई है उस आवक में अपनी बचत ना करके वो और ज्यादा खर्चा कर सके, तो ऐसे में कई स्थिति यहाँ किसानों के आड़े आई हुई है। अब तक फतेहाबाद में 100 से ज्यादा किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं पराली जलाने वालों के खिलाफ। यहाँ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, सरपंचों और ग्राम सचिवों के खिलाफ भी यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया। सूचना न देने वाले 26 सरपंचों और ग्राम सचिवों के खिलाफ यहाँ